हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी वही टाइम हो रहा है, 10 बजने वाले हैं करीबन। मैं तो जा रहा हूँ शॉप पे, और यहाँ पे बैठी हुई है, ठंडा हो रहा है बाहर। मौसम में दिखाता हूँ कैसा मौसम हो रहा है। ये ना शिवा यहाँ पर खड़ा हो गया दरवाजे पे। ना ऐसा हो रखा है, मतलब बादल बादल हो रखे हैं, धूप तो आज निकली नहीं, ठंडा हो गया मौसम। हाँ बाय बाय कर रहा, बाय। तो लगभग ना 10:30 बज गया है, तो अब जाके मैं और शिवा बिस्तर से उठे, मतलब उठना तो सुबह हो गया था एक बार, लेकिन नाश्ता वगैरह ये सब करके मैं दोबारा लेट गई थी। बहुत ठंडा हो रहा अभी से, तो मतलब ठंड की शुरुआत है। मुझे तो बहुत ही ठंडा लग रहा है, हाथ पैरों में दर्द वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा। और यहाँ देखो डॉगी पे भी झाड़ू लगाया जा रहा है। शिवा का डॉगी कहाँ है? झाड़ू ले ली इसने नीचे से निकाल के। शिवा का डॉगी कहाँ है? ये मिली मिली हो गई, पानी कर दो डॉगी को। और क्यों नीचे को फेंका? क्यों ऊपर रख दो, यहाँ बेड पे रख दो बेटा। तो डॉगी हाथ पकड़ रखा है, झाड़ू भी लगाई जा रही है। और सागर तो चले गए सुबह ही। बहुत ठंडा हो रहा है, मौसम तो इन्होंने दिखा लिया है आप सबको कि क्या हाल है मौसम के। अभी से ये है क्या होगा मैं तो समझ नहीं आ रहा। और बर्तन बर्तन सारे ऐसे पड़े हुए हैं, ये देखिए चाय वगैरह पी थी और बिस्किट भी है इसमें, तो सब मतलब थोड़ा बहुत साफ है। चाय गिरी भी है तो अभी साफ करूँगी। झाड़ू की तो मुझे टेंशन ही नहीं रहती है ना शिवा। शिवा ने इधर अपना सिपर गुड़िया पता नहीं क्या क्या फेंकी हुई है पीछे, दिख नहीं रहा क्योंकि अंधेरा है ना। ओए इसको मैं कितनी बार ऊपर बिठा रही हूँ लेकिन नीचे आ जा रहा। इसको तो क्या आफत आई होगी नीचे उतरने की, हमको तो चलो काम करना पड़ता है। हैं घोड़ा कहाँ आपका? घोड़ा कहाँ बेटा? जाओ घोड़े के पास जाओ। जल्दी से आधे घंटे में सारा काम निपटाती हूँ फटाफट से। तो अभी मैंने बेड वगैरह ठीक करा पूरा साफ, तो ऐसे ही करना पड़ता है, ऐसा क्या करें। रजाई मैंने अंदर रख ली है, अभी मैं इसको ना रजाई ना बाहर ले आऊँगी क्योंकि अब हम दोनों काम करके ना बैठ जाएंगे रजाई के अंदर। तो रजाई मैं लगा देती हूँ, फिट कर देती हूँ। तो पिछले साल ना सर्दियों में मैं अपना बिस्तर ना ऐसे सेट करती थी, रजाइयाँ वगैरह रजाई ना ऐसे करके बिछा देती थी, जिससे मुझे ना सीधा मतलब ओढ़ने के लिए हो। ऐसे फोल्ड कर रखी मैंने अंदर से, तो सीधा ओढ़ने के लिए हो। फिर से वही हो गया, और शिवा का ना वो बिछा दिया है मैंने, और शिवा की डॉगी वगैरह यहाँ पे रख लिए हैं ये। तो अब ज़रा दोस्ती सी हो गई, कल थोड़ा डर रहा था, आज ना दोस्ती हो गई। तो चाचा ले आए ये ना कल, भाई कहाँ बैठा हुआ है। इसको तो ना अपना घोड़ा पसंद है ज़्यादा, ये भी चाचा लेके आए थे इसके लिए इसके बर्थडे पे। कमरा वगैरह तो साफ ही है, तो झाड़ू वगैरह लगाऊंगी बस। शिवा ना नहा करके मतलब वो मालिश वगैरह करवा के थोड़ा सा सोया। शिवा गिल्लू कहाँ है? गिल्लू गिल्लू को ला रहा है, देखो हाँ गिल्लू कौन है? शिवा की नई दोस्त। कहाँ है गिल्लू? ओ गिल्लू आ गई। गिल्लू वो है, डॉगी कहाँ है? ये डॉगी यहाँ बैठा हुआ है। अब तो शिवा की दोस्ती हो गई इनसे, ये तो डर रहा था कल तक। हे पाली कर दो उनको, उनको पाली कर दो, पाली कर दो, कर दो अप्पा ढू, पाली कर दो बेटा। ओ पाली भी हो गई, अब तो डॉगी को भी कर दो पाली। तो अभी दिन का ना 1:15 हो गया। आ देखो शिवा क्या कर रहा, चार्जर पकड़ा हुआ है, तो केबल ना चार्जर के अंदर डालने की कोशिश कर रहा, तो फिलहाल ऐसा लगा हुआ है। तो मैंने रोटी बना के रख ली है, और सब्जी दाल वगैरह नहीं बनाई है, भारी से ले आएंगे ये आज, मतलब ऐसे ही मन हो रहा थोड़ा। ये क्या मन सा हो रहा भारी सा खाने का, तो ले आएंगे दाल वगैरह कुछ भी ले आएंगे। जब हम घर अभी बज रहे दिन के 2, शिवा तो यहाँ पे अपना सो रखा है, और ये पता नहीं कहाँ है, यहाँ मोबाइल पड़ा हुआ। अच्छा नारी हो गई है,
खाता हूँ खाना। खाने में आलू की सब्जी और रोटी, और मैं बना रहा हूँ उधर मैगी। मैगी बन रही है। तो ना मैंने सब जगह ढूंढ दिया, चार्जर कहाँ है? है ही नहीं वहाँ, बोल रहा वहाँ ऊपर गया, पता नहीं कहाँ है। शिवा गिल्लू कहाँ है? शिवा का गिल्लू, शिवा की गिलहरी का नामकरण भी हो गया गिल्लू। है ही नहीं यार, यहाँ भी नहीं है, इसी था इसी के ही हाथ पे, अब पता नहीं कहाँ रख दिया। यहाँ देख लो, एक बार दरवाज़ा खुला था यहाँ का, यहाँ पे रख दिया, यहाँ भी नहीं डाला हुआ है। कहाँ गिल्लू? गिल्लू कहाँ है? गिल्लू कहाँ है? उठाओ गिल्लू को, ये गिल्लू है हमारा बच्चा है। कहाँ ढूंढू मैं चार्जर? बेड पे तो नहीं था, सोए थे, लेटे हुए थे, खो गया चार्जर। ये शिवा की ना स्वेटर निकाली थी मैंने, मतलब ये देखने के लिए, नापने के लिए। सागर को फोन करके पूछती हूँ अब। तो देख रहे चार्जर ना कहाँ फेंका हुआ है इस बच्चे ने, यहाँ बेड के इधर, मतलब खिड़की वाले एरिया में, और वहां से ना देख रहा कहाँ है चार्जर, कहाँ है। ओ मतलब उसका अंदाजा ठीक था, कभी वो यहाँ हाथ कर रहा था, कभी वो यहाँ हाथ कर रहा था ना, जब मैं पूछ रही थी तो उसको, जिसने फेंका रहा था उसको तो पता ही रहता है, है? तो चार्जर ये है, ये रही, अरे यार ये रही इसकी केबिल, और ये क्या, ओह वो नीचे चले गया। अब किसे निकालूं उसको किनारे, जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो फाइनली चार्जर मिल गया है, और कहाँ था शिवा चार्जर बता दो, अभी भी इसको यही चाहिए। मम्मा फ़ोन चार्ज पे लगाएगी बेटे, बैटरी लो हो गई। और यहाँ देखो कैसे कर दिया मैंने, मैंने ना इस वाली स्टिक से निकाला है चार्जर यहाँ से। अब बोल रहा मुझे वो दे, उसकी नज़र ना स्टिक पे पड़ गई। नहीं वो तो घाव है उसके अंदर, उसके अंदर आओ होता। हाँ तो गोदी आओ, देखो चिड़ रख के मेरे को क्यों दे दी, आओ चलो गोदी आओ, गोदी आओ, गोदी आओ। तो ना तो चिड़ गया मेरे पे कि मेरे को वो दे नहीं रही। क्या क्या देना आपको, वो उसके अंदर हाउ होता है, कट्टी कट्टी होती है वहाँ। हाँ नहीं वो नहीं लेते, नहीं लेते वो, वहाँ सही कौन करेगा बेटा, कौन करेगा वहाँ सही। तो सारा उलट पलट कर दिया मैंने, लगे रहता मुझे इसी ने फेंकाओ, क्योंकि इसी के हाथ पे था ना चार्जर। अब पाली कर दो मामा को, मामा को पाली से पाली कर दो, चार्जर चाहिए उसको। तो मैं फ़ोन चार्ज पर लगाती हूँ। तो अभी ये दोनों खेल रहे हैं, और मैं खाना बना रही हूँ, प्याज और लहसुन भुनने के लिए रखा हुआ है, प्याज टमाटर का मसाले वगैरह यहाँ पे हैं, और ये मूंग की दाल बना रही हूँ। और आज मैंने बर्तन धुले नहीं, दिन के मैं शिवा के साथ ही बैठी रही बिस्तर के अंदर, तो लगभग 6:30 बज गया है, तो बाद में धुलूँगी, पहले खाना मतलब आधी आधी तैयारी कर लेती हूँ खाना बनाने की। तो प्याज भून रही हूँ तो अविरल तो चले गया है नीचे, और शिवा यहाँ पे बैठा हुआ है। शिवा को मैंने दिए हुए, शिवा क्या खा रहे हो आप दिखाओ। शिवा ना ये खा रहा है मटर, ये नमक पारे बोलते हैं इनको, और क्या बोलते हैं, ये मैंने बनाई है दाल, मूंग की बन गई है, और आटा भी गूंद के रख लिया है इसमें, और दिन के भी बर्तन धुल दिए हैं सारे। तो अब हम थोड़ी देर में चलेंगे दूध लेने, चलेगा चलने का नाम सुनेंगे ना अभी शिवा के ना कान खड़े हो जाएंगे। क्या कहाँ कहाँ देख रहे, मैंने चलना बोला ना, तैयार है घूमने के नाम पे, थे वहाँ वहाँ चलना है घूमने के नाम पे, तैयार है। थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद दूध लेने जाना है ना, थोड़ी देर बाद जाएंगे ठीक है। तो देख रहे वहाँ पे खड़ा हो गया कि चलना है चलने के नाम पे, तो इसको यहाँ ऊपर बिठाती हूँ अब। तो दाल वगैरह तो बन गई है, तो मैं वहाँ दूध लेके आती हूँ, शिवा को भी लेके जा रही हूँ, कपड़े वगैरह मैंने पहनाए हुए हैं शिवा को अच्छे से, तो दूध लेके आते हैं नीचे से। मैं हम बाहर आए तो यहाँ ना बारिश हो रही, हल्की हल्की बूंदाबांदी, अभी तो नहीं हो रही पर हुई थी शायद, तो पानी गिरा हुआ है इधर, तो आराम आराम से चलती हूँ। तो अभी हम नीचे से आ गए थे,
और दूध बॉईल कर रही हूँ, दूध लेकर के आ गए हम दोनों के दोनों। और शिवा ना, शिवा क्या कर रहा है, शिवा को ना उन्होंने नीचे रविराज, थोड़ा सा 5 मिनट के लिए खड़े खड़े गए थे हम वहाँ पे, तो रविराज को ये रविराज ने पॉपिट दिया है शिवा के लिए, और बिस्किट का पैकेट दिया था रविराज ने ये वाला, तो शिवा ने सारे बिस्किट ना खुलवा दिए, तो बोल रहा सारे दो दे दो, खाएगा एक भी नहीं ऐसा है, मुंह पे देखो दिखा रहा कि ये। तो अभी मैंने खाना खा लिया और साथ में इसको खिला रही थी, लेकिन ये इसने जो दाल की ना एक चम्मच भी खाई होगी, मैंने क्या करा बारीक से रोटियों के ना दाल में भिगो के डाल दी थी कप के, तो मतलब मैसी हो गई थी वो सारी दाल में जो इसने खाई होगी, और रोटी का ना टुकड़ा से मतलब वो कर लेगा, लेकिन मेरे को तो खाने का पता नहीं क्यों है इसको ऐसा। अब जब इसके पापा आएंगे तो तब थोड़ा बहुत खिलाऊँगी, मतलब तब खा ले, अब मेरे से कर देंगे इसने। और आज शिवा ने पता क्या काम करा, बताती हूँ अभी क्या हुआ। मैं बाथरूम में चले गई, ये खेल रहा था अपना, तो मैं मतलब मेन वाला दरवाजा ना मैं बंद ही करके रखती हूँ, लॉक करके रखती हूँ हमेशा, मैं बाथरूम में चले गई तो शिवा ने क्या करा बस आ रहा था दरवाजा, सर दर्द हो रहा तो शिवा प्रतिभा, तो इसने क्या करा जो वो है इसने इसके बजाने के चक्कर में ना मैं भूल गई, तो क्या हुआ कि मैं बाथरूम में चली गई थी, मैंने मेन वाला दरवाज़ा बंद कर दिया था, ये कभी कभी ना बाथरूम में आ जाता है, तो मैं मेन वाला दरवाज़ा ना बंद कर देती हूँ। और इसने क्या करा, इसने ऐसे करा होगा पता नहीं, मैं बाथरूम में थी और इसने ये खोल दिया ये, और इसके अंदर हाथ फंसा दिया अपने ऐसे कर, अब मैं इसके सामने खोलूँगी ना फिर खोल देगा, फिर इसने ध्यान नहीं दिया अभी, तो इसने ऐसा कर दिया, तो इसके ना पता नहीं इसके हाँ ये वाले हाथ पे राइट वाले हल्का सा मतलब दब गया वो, और इतना बाजा बजा वो इसे भागते भागते आई मैं फिर बाथरूम से, मतलब ऐसा काम कर लेता, और ये पता नहीं कैसे खोला क्या खोला, सिर्फ 1 मिनट हो रखा था होगा मेरे को बाथरूम में गए हुए, अब बाथरूम में भी ना जाए क्या करूँ मैं, माँ छुट गया दरवाजे के पीछे, वाह बहुत गंदे गंदे काम करे, आई कहाँ हुई बताओ, आई कहाँ हुई, वहाँ कहाँ हुई, आई आई हाथ पे कहाँ लगी, तो इस वाले हाथ पे लगी शिवा के, ये देखो हल्का सा ना ये ऐसे हो रखा, हल्का सा दिख रहा होगा, और यहाँ भी हुई दिखाओ, यहाँ भी हुई इधर भी, तो ये यहाँ नहीं हुई क्योंकि हाथ ना ऐसे पता नहीं कैसे रखा हुआ था, मैंने एकदम से ध्यान नहीं दिया, मैंने सिर्फ इसको वो कर दिया ना ऊपर करा निकाल दिया और अपने से मतलब लगा लिया, तो मैंने इधर देखा नहीं कि कैसे लगी क्या लगी, क्योंकि मैं तो उस समय बाथरूम में थी, शिवू तो लग रहा ज़्यादा जोर की लगी नहीं, पर ये डर सा गया था ना, हाँ वहाँ हुई क्या हुआ पता नहीं क्या कर, ऐसे करके उठाया होगा, अभी तो उधर देख रहा ऐसे करके पता नहीं कैसे उठा दिया, इतना भारी मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, अरे गदेड़ू गंदे गंदे काम करता है, देख रहे शिवा के काम, शिवा ने ना एक कपड़ा पकड़ा हुआ है, शिवा ना यहाँ साफ कर रहा था, इसकी मम्मी ना अच्छे से सफाई नहीं करती है ना, शिवा कहाँ साफ कर रहे थे आप, यहाँ ना बैठ के ना यहाँ पे साफ कर रहा था, जैसे मैं वीडियो बनाने लगी तो उठ गया, वाह वहाँ नीचे वो मैंने रोटी रोटी बनाई ना गैस साफ करा तो आटा गिरा नीचे ये, तो उसको साफ कर रहा है, तेरी मम्मा साफ नहीं करती अच्छे से, कह छाप कर लेते आप, और वो वहाँ से डब्बा क्यों निकाला, कहाँ रहता वो डब्बा, कहाँ रहता है, कहाँ रहता चीनी का डब्बा है, कहाँ रहता है बेटा, रख दो वहीं जहाँ पे रहता है वहाँ रख दो, रख दो कहाँ रहता है, हाँ रखो जाओ जाओ रख दो जाओ, रखने का मन नहीं है वहाँ, रख दो जाओ रख के आओ, अभी खेलना है ना इस कपड़े से, मैं यहाँ साफ कर रहा, तो देख रहे खुद तो पहनता नहीं है टोपी, मेरी टोपी भी वो निकाल रहा है, खुद तो पहनता नहीं है मेरी भी उतार रहा, क्यों क्यों पारी कर रहा, ओ भाई गिर गया खुश हो गया, उतार दी मम्मी की टोपी, एक टोपी ना वहाँ पीछे फेंकी है, मैं बोलूंगी ना पीछे फेंकी, इसको भी पीछे फेंकी, नहीं पीछे फेंकी ना तुम, फिर देख तू यहाँ देख मम्मा को पहनाओ, चलो मम्मा को पहनाओ,
तो मैं ना शिवा वो देख रहा था, क्या राइम सुन रहा था मैं, पॉपिट मतलब वो कर रही थी, अपना स्ट्रेस भगा रही थी। तो ये रविराज का है तो रविराज को दे दूंगी। ये ना जब हम नीचे पे थे ना तो शिवा ने पकड़ लिया था, दे ही नहीं रहा था वापिस, तो अभी आएगा ना वो, रविराज तो उसे वापिस कर दूंगी। तो फिर उसने ऊपर ही दे दिया उसे कि थोड़ी देर खेलने दो। हैं शिवा भैया का है ना, भैया को वापिस कर देंगे। हे गाइस, अभी आए हम घर, अभी बज रहे हैं रात के 9:30 बज रहे हैं करीबन ना। और शिव तो यहाँ पे खेल रहा है, चॉकलेट लेके आया, से चॉकलेट खा रहा है। तो एक दाल बना रखी आज है ना, ये तो खेलने लग गया इसके साथ। ये देखो यहाँ बैठ, कहाँ बैठ के पी रही नारियल पानी। सागर आते हैं किस काम में लग गए, कावा झाड़ू मार रहा, झाड़ू क्यों क्षेत्र को नींबू, इसने ना शिवा ने नींबू गिरा दिया यहाँ नीचे ना, और नींबू की वजह से कितना सारा सामान निकल गया, और दूध की बोतल भी गिराई है इसने अपनी, वो भी निकालनी पड़ेगी। पानी किस कोने, यहाँ से दिख नहीं रही, लड़ रहा कि मेरे को झाड़ू दे दो, देखना पड़ेगा यहाँ से उजाला करके। वो है दूध की बोतल, नींबू मिला, ले शिवा, ले, रो गया कि झाड़ू नहीं दे रहे, छुपा दी। वो दूध की बोतल तो निकली नहीं, बहुत दूर है, वाइफ लाना पड़ेगा। देखा लिया है, बहुत दूर है, वाइपर दे वाइपर। शिवा इधर आओ, शिवा ने झाड़ू ले लिया, इधर चलो पापा, पापा को दिखा दूं बेटा, उजाला तो करूँगा नीचे, हाथ तो उठा दे। मैं वहां से करती हूँ, ऊपर से है, ऊपर से है तो झूला आते काम में लगा दिया। ओए ओहो, गाड़ी बंदूक, रविराज की बंदूक, रविराज की गाड़ी, सारे रविराज के खिलौने आए रहते हैं, वो शिवा को पकड़ा देता है ना। क्या निकला, बिस्किट, अरे ना और चीज मार, क्या पकड़ेगा, झाड़ू छोड़ दिया, बंदूक उठा दी। पापा को, पापा की पिट्टी करो, ढिसुम ढिसुम करो, ढूंढू करो, करो कहा सिखाए, करो शिवा करो।